हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदरंग क्रिएशन। सो आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है, मतलब एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत पहले से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि चिकनकारी का सब स्टिचेस एक साथ एक वीडियो में दिखाने के लिए, लेकिन एक सब स्टिचेस हॉल करने वाली, मतलब सब स्टिचेस इंक्लूड करने वाला एक डिजाइन मोटिफ नहीं मिल रहा था, इसलिए ऐसे लेट लेट हो रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि डिजाइन के बारे में इग्नोर करते हैं, मतलब सब स्टिचेस ऐसे दिखा के मतलब इंक्लूड करके हम एक स्पेशल ऐसे एक मोटिफ बनाते हैं। पता नहीं मोटिफ दिखने में कैसा होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। अभी सब स्टिचेस तो मैं नहीं बोल सकती, मतलब सब स्टिचेस अभी तो चिकनकारी में कितने स्टिचेस है वो उसमें अभी तक, मतलब अभी भी मैं क्लैरिफाइड नहीं हूँ, मतलब मुझे अभी भी क्लियर नहीं है कितने स्टिचेस है। अभी मैंने जितना दिखा है उससे ज़्यादा तो पक्का हो सकता है, मतलब बहुत सारे स्टिचेस है अभी यूज़ भी नहीं कर रहे, इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन मैक्सिमम स्टिचेस मैं इंक्लूड करूँगी। कुछ स्टिचेस एप्लिक स्टिचेस मैंने दिखाया था वो तो इसमें इंक्लूड कर सकता है नहीं पता नहीं, लेकिन मोस्टली यूज़ करने वाले स्टिचेस में मैक्सिमम में इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबको मेरे चैनल अंदरंग क्रिएशन पे स्वागत है। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है। और मेरे चैनल पे पहले बार आ रहे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाएगा। तो हम वीडियो पे चलते हैं। इस पूरा वीडियो के लिए मैं नीडल नंबर 7 यूज़ कर रही हूँ और 6 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड से करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टिच करते हैं। तो इसमें मैं फर्स्ट चिकना फंडा करने जा रही हूँ। चिकना फंडा मतलब ऐसे ही एक ही जगह पे बहुत सारे टाइम्स ऐसे थ्रेड को एक के बाद एक ऐसे 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 करते हैं, तो उसको ही चिकना फंडा बोलते हैं। चिकना फंडा तो ऐसे एक बीड्स की तरह इफेक्ट करते हैं, 3D थ्री डायमेंशनल वो एम्ब्रॉयडरी होता है, थोड़ा ऐसे अच्छे से वो प्रोजेक्ट करने की तरह लगता है। तो ये करेंगे तो बहुत क्यूट लगता है, मतलब कुछ स्टिचेस होता है ना चिकनकारी में, कुछ तो फ्लैट होता है, कुछ तो एक्सपोज ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करने की तरह होता है। तो इधर चिकना फांडा तो ऐसा एक स्टिच है। ये स्टिच तो हम शेयर फैब्रिक में भी, मतलब ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में भी, और ऐसे बिना ट्रांसपेरेंट वाले कपड़ों में भी, तो ऑल टाइप ऑफ क्लॉथ्स में ये डिज़ाइन हम कर सकते हैं। देखो बहुत सारे टाइम्स ऐसे इसको एक ही जगह पे ऐसे करना पड़ता है चिकना फंडा के लिए। तो सब स्टिचेस में तो ऑलरेडी एक्सप्लेन की चुकी हूँ, मेरे ही चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन की चुकी हूँ, कर चुकी हूँ। तो इधर तो मैं ऐसे ही जल्दी करके जाना कर रही हूँ, मतलब ऑलरेडी पूरा दिखाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टिच है कच्चा फंडा। कच्चा फंडा मतलब चिकना फंडा जैसा ही है, लेकिन थोड़ा लेंथ में होता है और फ्लैट होता है, थोड़ा फ्लैट होता है, मतलब 3-4 बार ही 6 स्ट्रैंड और थ्रेड से करना पड़ता है। मोस्टली अभी फंडा स्टिच बोलेंगे तो ये फंडा ही नॉर्मल कुर्तीज़ में, साड़ीज़ में यूज़ करते हैं, मतलब फांडे में ये फांडा थोड़ा ईजी होता है। तो ऐसे ही एक ही जगह पे 3-4 बार करो, वो हो जाएगा। फिर बाकी फांडा उसका ऐसा है, थोड़ा कॉस्टली वाले कुर्तीस में ही करते हैं। तो देखो ऐसा ही एक ही जगह पे 3-4 बार, तो आपके हिसाब से है। कुछ लोग तो 12 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड्स लेके, नहीं तो 15 ऐसे ज़्यादा थ्रेड लेके एक एक बार करके जाते हैं। मोस्टली आर्टिसंस तो ऐसे, ये करने वाले लोग तो ऐसे ही ज़्यादा थ्रेड ऐसे लेके एक बार करके जाते हैं, मतलब नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए ऐसे करते हैं। लेकिन हम तो ऐसे ही किया है। देखो बहुत क्यूट लगता है ये स्टिच भी। तो कच्चा फांडा भी हो गया, नॉर्मल फांडा तो इसको ही बोलते हैं। नेक्स्ट फांडा स्टिच में चलते हैं। ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा, मतलब ये यूज़ किया हुआ कपड़ा थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, वो है डाही फांडा।
तो ऐसे सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऐसे अच्छे से वो नहीं हो रहा ऐसा है तो सर्कल ड्रॉ करो, अभी फर्स्ट है तो इसलिए मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। फिर तो मैं तो ऐसे ड्रॉ करके नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही फ्री हैंड करने जा रही हूँ। सो डार्क ही फांडा मतलब ऐसे एक स्टेम की तरह थोड़ा सा वो फांडे के नीचे होगा। तो पहले वो फांडा जैसा हम कैसे कच्चा फांडा किया था उस ऐसा ही 3-4 बार ऐसे छोटा सा करके फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे एक स्टेम की तरह एक छोटा सा 1 mm या 2 mm की ही लेंथ में चाहिए। तो ऐसा ही है डार्क ही फांडा। तो पहले आपको वो फांडा स्टिच करना है 3-4 बार एक ही जगह पे, ऐसे 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 करो। ऐसे करने के बाद देखो नीचे ऐसा ही छोटा सा एक छोटा सा ऐसे लाइन ऐसे कर देना तो हो जाएगा। ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो आप ऐसे वो स्टेम वाला नीचे का पोर्शन पहले स्टार्ट करके, देखो ऐसे नीचे की पोर्शन पहले स्टार्ट करके फिर वो फांडे का जगह वो भी कर सकता है डार्क ही फांडा के लिए। आपके हिसाब से है, आपको क्या कंफर्टेबल है वो कर सकता है। मुझे इसे एक मतलब ऐसे मुझे पूछा गया था कि ये वाला स्टिच कैसे करते हैं, दिखने में उतना क्लियर नहीं हो रहा है ऐसे, तो इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो ऐसा भी कर सकता है, तो पहले स्टेम करो फिर उसके ऊपर डार्क ही फांडा के लिए फांडा स्टिच करो, ऐसा भी कर सकता है। और एक और मेथड भी है, मतलब पहले वो पूरा लाइन और फांडा की पूरे ऐसे एकदम से लाइन की तरह देखो ऐसे लेंथ में करके फिर छोटा सा पोर्शन में वो फांडा की तरह 3 बार मतलब और 2 और बार ऐसे करके भी फांडा स्टिच कर सकता है, लेकिन मुझे ये वाला उतना अच्छा नहीं लगता है, दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आप लोग जो स्टाइल में कर रहे हो पूरे उस स्टाइल में करो, मतलब उसका शैडो है ना एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत डिफरेंट लगेगा। शेयर फैब्रिक में कर रहे हो तो वो नीचे का वो दिख जाएगा ना, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो एक ही स्टाइल में ही पूरा डिजाइन में जहाँ जहाँ ये फांडा स्टिच करते हो वो ऐसे ही स्टेम में कर देना। अभी नेक्स्ट फांडा स्टिच है, देखो ऐसे में नेक्स्ट में के लिए भी ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टिच है धनिया फांडा, मतलब वो धनिया सीड हो कोरिएंडर सीड है ना उसकी जैसा ऐसे एक फील होता है, इसलिए हम धनिया फांडा बोलते हैं। धनिया फांडा मतलब डार्क ही फांडा ही है। देखो मैं तो ऐसे नोट नीचे नोट नहीं चाहिए, एक्चुअली इस पूरे चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में लोग नीचे नोट नहीं लगाते हैं, ऐसे ही करके जाते हैं थोड़ा ऐसे छोड़ के। देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना ऐसा ही करके जा फांडा, ये बकिया स्टिच भी करेंगे तो भी ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा छोटा सा अभी मैं थोड़ा लेंथ में ही फांडा स्टिच कर रही हूँ, एक्चुअली इसमें तो फांडा स्टिच ऐसे इतना लेंथ में नहीं चाहिए, सेंडर की तरह हमने वो सेंडर में चिकना फांडा किया था ऐसा ही थोड़ा राउंड में चाहिए। तो फिर ऊपर और नीचे ऐसा ही सेम जैसे हमने डार्क ही फांडा में किया था ऐसे एक छोटा सा लाइन ऐसे उसके दोनों एंड में कर देना, ऐसे एक सीड की तरह लगता है, तो इसको ही हम धनिया फांडा बोलते हैं। धनिया फांडा भी बहुत सारे वैरायटीज में कर सकते हैं, कैसे भी वो इफेक्ट होना चाहिए, मतलब सेंटर में थोड़ा थिक वाला ऐसे फांडा की तरह, फिर ऊपर और नीचे एक छोटा सा लाइन मैक्सिमम 2 mm या 1 mm ऐसे एक छोटा सा दोनों एंड में ऊपर और नीचे ऐसे एक छोटा सा लाइन ऐसे कर देना है। तो जैसे मैं दिखा रही ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वो कर सकता है। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो क्यों कर रही हूँ कि आप लोगों को इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब सब फांडा स्टिच तो फांडा बोलते हैं लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, दिखने में क्या डिफरेंस है। अभी बहुत सारे बकिया स्टिच है, उल्टी बकिया स्टिच है, बहुत सारे दूसरे भी स्टिचेस मैंने बताया है, तो सब में क्या डिफरेंस है आपको एकदम से पता चल जाएगा क्या मतलब कंपेयर कर सकता है ना, इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। तो बहुत लेंथी वीडियो होने वाला है लेकिन फिर भी पूरा वीडियो देखो, कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ भी सकता है। तो देखो ऐसा ही हम पूरा ये धनिया फांडा को हम धनिया पत्ती भी बोलते हैं। तो इसको मैं कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए थोड़ा सा स्लोली हो गया है, बाकी सब स्टिचेस हैं।
अभी जो भी मैं दिखाने जा रही हूँ वो एक ही बार करने जा रही हूँ, तो थोड़ा क्या क्लियर मतलब एक ही बार सब ऐसे पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो एक एक पेटल में एक ही स्टिच एक ही बार दिखा रही हूँ, तो सब ऐसे स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे ज़्यादा लेंथ में स्लोली नहीं दिखाने जा रही हूँ, थोड़ा इस फास्ट में ही दिखा रही हूँ। तो इससे सबको सब दिखाने के लिए जो जो डिज़ाइन चाहिए पहले ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अभी हम करते हैं एम्ब्रॉयडरी करने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है चिकनकारी का मेन स्टिच बोलते हैं बकिया स्टिच, हमारा शैडो स्टिच या हेरिंगबोन स्टिच बोल सकते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ ये बकिया स्टिच, तो उसके कपड़े के नीचे की ओर करके मतलब नॉर्मल साइड पे नहीं करते हैं, हमें जहाँ चाहिए उसके पीछे कर हेरिंगबोन करके फिर उसका इफ़ेक्ट ऊपर आते हैं। लेकिन हम मुझे तो ऐसे जो मुझे ऊपर चाहिए वही मुझे दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्टिच में ऊपरी भगिया या उल्टी भगिया दिखाऊंगी। उल्टी भगिया ऐसे करो, मतलब उसके गलत साइड में करो। इसमें एक और प्रॉब्लम है ऐसे गलत साइड में, तो मतलब कुछ कपड़े में हम ऊपर डिज़ाइन ऐसे ट्रेस करेंगे तो नीचे ऐसा ही दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तब तो नीचे भी वो सेम आने की तरह हमें ट्रेस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ एक बार ट्रेस करते हैं वही मेन साइड में ही करेंगे तो थोड़े ईजी है ना, इसलिए। तो बकिया स्टिच भी फिनिश हो गया है तो इसको ही बकिया स्टिच बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाला स्टिच ही है लेकिन आगे की डायरेक्शन में हम करते हैं, उसको उल्टी बगिया बोलते हैं। उल्टी बगिया हम कोई भी कपड़े में कर सकता है, लेकिन बकिया स्टिच तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट कपड़े में ही कर सकता है, नहीं तो वो शैडो नहीं दिखेगा ना। तो देखो यही है उल्टी बगिया। ऐसा ही एक्चुअली ये स्टिच मैं यही बोल रही थी, ये स्टिच आप लोग नीचे कर कपड़े के गलत साइड में करेंगे तो आपको बकिया ऊपर दिखेगा। नॉर्मली आर्टिसंस ऐसा ही करते हैं, ये स्टिच और दोनों स्टिचेस डायरेक्शन के हिसाब से ही चेंज होता है, एक तो ऊपर करते एक तो नीचे करते ऐसे। तो देखो उल्टी बकिया भी फिनिश हो गया है, डिफरेंस आपको पता चल रहा है ना दोनों स्टिच के। अभी नेक्स्ट हम एक स्टिच है उल्टी भगिया जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ा ऐसे ट्विस्टेड लगेगा, तो यही है धूम पत्ती। देखो ऐसे कुछ जगह चोट के ही मैं ये रिंगबोन स्टिच कर रही हूँ, अभी थोड़ा गैप चोट के आपको दिख रहा होगा, थोड़ा गैप चोट के ही मैं ये कर रही हूँ। तो ऐसे करके जब हम ये वाला फिनिश करेगा ना तो नेक्स्ट में हम ये वापस देखो ऐसे करो, वापस करेंगे तो ऐसे नेक्स्ट डायरेक्शन में ही करो, सेम डायरेक्शन में करेंगे तो उतने अच्छे नहीं लग रहा था मुझे, तो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, नहीं तो ऊपर से ही एक बार एक और बार करो, तो देखो वो डिफरेंस आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी ये धूम पत्ती और नॉर्मल हमारा उल्टी भगिया का डिफरेंस क्या है, तो को ये थोड़ा ज़्यादा ऐसे ट्विस्टेड मतलब ऐसे मेश की तरह कुछ ज़्यादा ही लग रहा है ना, लेकिन ये वाला स्टिच तो उतने ज़्यादा यूज़ किया हुआ मैंने नहीं देखा है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मतलब ऊपरी भगिया से थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए। अभी ये है मांग पत्ती, मांग मतलब लेडीज़ की ऐसे हेयर ऐसे दोनों साइड पे ऐसे करते हैं ना, ऐसे दोनों साइड पे लाइन लगा के ऐसे बाल को डालते हैं ऐसा ही है, तो ऐसे एक इफेक्ट आता है मांग पत्ती में, ऐसे थोड़ा जोड़ा ऐसे बनाने की तरह थोड़ा सा ऐसे एक इफेक्ट आते हैं। तो ऐसे पूरा करके हम ये वाला स्टिच भी फिनिश करते हैं। स-
सब स्टिच मैंने दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं ये वीडियो क्यों बना रहे ऐसे मत पूछो। मतलब मुझे रिक्वेस्ट आया था सब स्टिचेस ऐसे होल्ड करने वाले एक डिज़ाइन बनाओ, बहुत से ऐसे रिक्वेस्ट आया था ऐसे कि कॉलेज में ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने वाले या कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग कोर्स करने वाले बच्चों से मुझे ऐसे रिक्वेस्ट आया था। बहुत दिन से सोच रही थी ऐसे बनाओ लेकिन एक डिज़ाइन नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे ही स्टार्ट कर दे, जो भी डिज़ाइन आएगा चल जाता हो जाएगा ऐसे। देखो तो मांगपत्ती फिनिश हो गया है। नेक्स्ट स्टिच है घासपत्ती भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले एक स्टिच है। पहले थे मुझे ऐसे चिकनकारी में तो शैडो वर्क और फांडा स्टिच की मुझे ऐसे चिकनकारी मतलब वो ही दो होता है ऐसा था, लेकिन एक बार शॉप में गया तो चिकनकारी बोल के मुझे ऐसे स्टिच में, तो ये स्टिच तो कैसे ट्रेडिशनल वर्क होता है, तो नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी है ऐसे लग रहा था, लेकिन नहीं घासपत्ती भी चिकनकारी का ही एक स्टिच है। फिश बोन ऐसे कुछ बोलते हैं मुझे, एक्चुअली इसका इंग्लिश नेम ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मैंने इसलिए पता नहीं कन्फ्यूज़ होता हूँ। तो देखो इसको ही घासपत्ती बोलते हैं। घासपत्ती में सेंटर में ऐसे छोटा सा लेते, आप चाहिए तो वो छोटा सा लेने के बीच में आपको बड़ा भी ले सकता है, वो सेंटर में जो ले रहे ना आप ये ले रहे ना थोड़ा उसका भी बॉर्डर से बॉर्डर तक भी ले सकता है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा सेंटर में थोड़ा ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करने की तरह लगता है, इसलिए वो घासपत्ती करते। घास की पत्ती मतलब ये हमारा घास होता है ना, क्या बोलते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं नीचे से, वो वाला उसकी पत्ती जैसा उसका लीफ जैसा एक इफेक्ट आता है, इसलिए हम घास पत्ती बोलते हैं, तो यही है वो। नेक्स्ट होता है चना पत्ती। आप लोगों को करने में तो देखो देखने में तो ये वाला ऐसा सेम ही लग रहा है ऐसा आपको लगा होगा चना पत्ती, मतलब डिफरेंस तो मेथड में है लेकिन दिखने में तो दोनों एक साथ ही लग रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, मतलब वो दोनों का डिफरेंस आपको पता चले। चना पत्ती में घास पत्ती के अलावा थोड़ा ज़्यादा थ्रेड यूज़ हो जाता है नॉर्मली जैसे हम करते हैं ऐसे देखेंगे तो, चना पत्ती में थोड़ा ज़्यादा थ्रेड होता है, मतलब नीचे की ओर है ना चनापत्ती का तो ऊपर की जैसा ऊपर जैसा लगता है ऐसा ही नीचे भी लगेगा चनापत्ती का, लेकिन घासपत्ती और चनापत्ती में देखेंगे तो ऐसे फिनिश करने के बाद आप ही देखो थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। चनापत्ती नॉर्मली ऐसे तीन वाला लीफ में करते हैं, मतलब चना की लीफ बोलते हैं, चना मतलब हमारा पी क्या बोलते हैं वो भूल गया, तो ऐसा ही। तो देखो ये लीफ और दूसरे लीफ में क्या मतलब घासपत्ती में डिफरेंस क्या है कि ये वाला थोड़ा फ्लैट होता है और घासपत्ती थोड़ा ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करने की तरह होता है, यही डिफरेंस है। और चनापत्ती नॉर्मली हम तीन लीव्स में ही करते हैं, थोड़ा छोटे वाला लीफ में ही करते हैं। नेक्स्ट है तुप्पा स्टिच। तुप्पा मतलब वो है सैटिन स्टिच ही है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर पैरेलल लाइन से वो हम ऐसे फिल करते हैं, छोटे छोटे ऐसे कुछ जगह फिल करने के लिए ही चिकनकारी में तुप्पा स्टिच यूज़ करते हैं, ऐसे ज़्यादा ये वाला स्टिच यूज़ नहीं करते। लेकिन अभी तो मैं तो ऐसे देख रहे हैं मतलब ऐसे चिकनकारी सूट में ही नॉर्मल मशीन बस ऐसे सैटिन स्टिच से मशीन से सैटिन स्टिच से भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी करते करके देख रहे हैं, लेकिन ये स्टिच तो मैक्सिमम ऐसे सॉरी मिनिमम ही यूज़ करने वाला एक स्टिच है तुप्पा स्टिच। ऐसे कुछ जगह से छोटे छोटे स्टिचे से जगह फिल करना है तो तभी हम तुप्पा स्टिच यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट है मुरी स्टिच। मुरी स्टिच बहुत यूज़ करने वाला एक स्टिच है, बहुत यूज़ मतलब जहाँ भी ये वाला स्टिच यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा कॉस्टली कुछ सूट ही होगा। नॉर्मली हमें कुछ कम रेट में 1000 ऐसे कुछ रेट में जो भी मिलेगा उसमें तो तुप्पा स्टिच ज़रूर नहीं होगा, क्योंकि तुप्पा स्टिच थोड़ा टाइम लेने वाला स्टिच है, थोड़ा ऐसे एक लाइन लगा के मुरी स्टिच ऐसे थोड़ा कॉस्टली वाला स्टिच है, ऐसे नोट लगा के ही वो लाइन के दोनों एंड पे ऐसे कपड़े को भी लेके मतलब वो लाइन के नीचे से कपड़े से ऊपर की ओर लेकर आके ही करते, ये भी प्रोजेक्ट करने वाली स्टिच है, जो भी फैब्रिक में हम ये स्टिच कर सकता है
बहुत बहुत क्यूट लगता है ये स्टिचेस से चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी सूट में आ जाएंगे तो। लेकिन मैं जैसे बोल रही हूँ ये थोड़ा कॉस्टली स्टिच है, ये वाला एम्ब्रॉयडरी है तो वो कुर्ती पक्का हमें बिलो 1000 में अभी, मतलब बिलो 1000 क्यों बोल रही कि ये कुछ कुछ साइट में अभी बहुत कम रेट में ऐसे चिकनकारी स्टिचेस सूट्स मिल रहा है। मतलब जैसे मैंने पहले स्टिच दिखाया था वो सब है ना कुछ तो मशीन में कर सकते हैं कुछ उसके इफेक्ट में आने वाला, लेकिन ये मुरी स्टिच ऐसा है वो प्रोजेक्ट करने की तरह तो पक्का मशीन में कर नहीं सकते। अभी तो मुझे नहीं पता है अभी करने का मशीन हो गया है नहीं, लेकिन वो उतना तो नहीं होने वाला, इसलिए ये सब स्टिच होने वाला कुर्तीज तो थोड़ा कॉस्टली ही होने वाला है। अभी गोल मुरी मतलब ये है कि उसके आगे की पोर्शन है ना थोड़ा गोल गोल होता है, थोड़ा बीट की तरह थोड़ा गोल होते हैं, फिर नीचे हमारी नॉर्मल मुरी की तरह सादा मुरी की तरह थोड़ा छोटे 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 होते हैं। एक्चुअली मैं बोल रही थी ना ऐसे नूरजहान के टाइम पे ऐसे राइस की बसमती राइस को ऐसे देख के उसके हिसाब से ये सब स्टिच मुरी स्टिच बनाया था। एक्चुअली हमारा जो भी ये चिकनकारी में यूज़ करने वाला स्टिच है ना ऐसे घासपति बोला था चनापति बोला सब है ऐसे हमारे नेचर से ऐसे देख के कुछ ऐसे उसकी हिसाब से ऐसे स्टिच बनाया है उसका डिज़ाइन में आने की तरह। अभी नेक्स्ट है होल स्टिच ही है वो बोल के होल ही बताते हैं। छोटा सा एक आईलेट स्टिच भी बोलते हैं, छोटा सा एक होल हमारे ही नीडल से वो नीडल से करो फिर उसके बॉर्डर में ऐसे ऐसे सैटिन स्टिच से वो राउंड में पिल करो तो ऐसे अच्छे से खींच के करना तभी वो होल ना अच्छे से बड़ा हो जाता है। ये भी स्टिच बहुत क्यूट लगता है, ये भी थोड़ा कॉस्टली वाला ऐसे ऐसे करने वाला है तो वो सूट तो मतलब वो जो जहाँ भी हम कर रहे हैं ये वाला स्टिच है तो भी वो कॉस्टली ही होता है। नॉर्मल सूट में नॉर्मल को थोड़ा सूट में ऐसे ये नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लगने वाली स्टिच है। अभी नेक्स्ट एक और स्टिच है, एक और ऐसे ही मैं होल ही बना रही हूँ, होल बना के फिर एक दूसरे एक स्टिच बनाते हैं तो इसको बुलबुल चश्मा बोलते हैं। बुलबुल बर्ड की आई की तरह दिखने के कारण उसको ये नाम दिया है, मतलब होल स्टिच लगाओ फिर उसके बॉर्डर में हम ऐसे स्पाइक करते हैं, स्पाइक मतलब एक वाई शेप में करते हैं, देखो ऐसे कहाँ है उसके ऊपर ऐसे छोटा सा एक स्टिच लगा के फिर वो लाइन के बीच में से नीचे लगाओ फिर नेक्स्ट स्पाइक कहाँ करना है। स्पाइक मतलब उस जमाने कांडा बोलते हैं, कांडा मीने माने स्पाइक तो कांडे की इफेक्ट की तरह ऐसे वाई शेप में होना चाहिए, वाई की इफेक्ट। अभी छोटे बहुत छोटे से कर रहे हैं ना इसलिए वाई नहीं लग रहा है, देखो ऐसे करो तो स्लैंडर लाइन हो गया, उसके सेंटर से ऐसे करके हम नीचे नीडल को लेके जाते हैं तो इसको ही स्पाइक्स नहीं तो कांडारे ऐसा भी बोलते हैं, कांडा एक लेयर ऑफ कांडा लगा के तो इस स्टिच को हम बुलबुल चश्म बोलते हैं। ये भी उतना ज़्यादा यूज़ करते हुए मैंने नहीं देखा है, यूज़ करते हैं लेकिन करेंगे तो यही है हमारा ड्रेस कॉस्टली हो जाएगा। थोड़ा कॉस्टली चाहिए तो कस्टमर्स को चाहिए तो ये वाला डिज़ाइन से ऐसे यूज़ करते हैं। तो देखो ये भी बुलबुल चश्मा हो गया है, मैं तो अभी देखो ये स्पाइक्स है ना कांडा है वो ज़्यादा नस्तिक नहीं कर रही हूँ, आपको जैसे कुछ दिखाना मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए वो डिफरेंस पता करने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब कैसे कैसे करते वो ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मतलब मलयालम में भी किया है हिंदी में भी किया है इसलिए मैं ऐसे ही जल्दी कर रही हूँ। अभी ये चिकनकारी का एक मेन एम्ब्रॉयडरी है कील स्टिच, कील मतलब एस नेल्स होता है ना वो है, मतलब ईयर पिन के हिसाब से ये लोग ये कील स्टिच बनाया है, ईयर पिन की उस जमाने में ईयर पिन ऐसे ईयर का वो स्टड जैसा होता है ना ऐसे इसलिए वो होता है, तो ऐसा ही एक चिकना फांडा सेंटर में करके फिर उसके राउंड में ऐसे कांडा स्टिच करते हैं। तो ये कांडा स्टिच कैसे करते हैं बुलबुल चश्मे तो दिखाया है इसलिए मैं ऐसे सब जहाँ जहाँ ये स्पाइक्स होता है वो तो थोड़ा फास्ट में ही करके फिनिश कर रही हूँ अभी। तो देखो कील स्टिच भी फिनिश हो गया है। अभी नेक्स्ट है देखो ऐसे गिट्टी स्टिच बोलते हैं, ये वाला स्टिच भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं,
तो इसमें हम बटन होल स्टिच बोलते हैं। देखो मैंने लाइन लाइन स्टिच में जहाँ जहाँ अभी चिकनकारी में स्टेम करने के लिए जो भी स्टिच यूज़ करते हैं वो तो दिखाया नहीं है, तो दिखाएंगे तो इसका भी नाम होता है ये स्टिच को भी। हम तो नॉर्मली इसको बटन होल स्टिच बोलते हैं, लेकिन बटन को बटन होल स्टिच या ब्लैंकेट स्टिच ऐसे बोलते हैं, लेकिन चिकनकारी में इसको दूसरा नाम होता है। तो इधर राउंड में एक ही जगह पे ऐसे लेके ये करेंगे तो सेंटर में एक छोटा सा होल जैसा हो जाएगा, इस स्टिच को हम गिटी स्टिच बोलते हैं। तो देखो अभी सब वो सर्कल वाले स्टिच का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा ऐसे देखेंगे तो। अभी एक वो स्टिच है ऐसा ही, मतलब ये स्पाइक्स यूज़ करने वाला एक वो स्टिच है, वो टीयर ड्रॉप में होता है। टीयर ड्रॉप में एक डिज़ाइन ऐसे एक मार्क करो, फिर वो ऊपर ऐसे एक होल्ड करके उसी शेप में टीयर ड्रॉप की होल स्टिच करते हैं ना, ऐसा नहीं है, नीचे थोड़ा लेंथ में करके फिर वो होल स्टिच की तरह ही करते हैं। तो थोड़ा ऐसे दिया की तरह लगना चाहिए हमें, बिजली माने लाइट है तो दिया जला के ही उस टाइम में बिजली मतलब लाइट होता है। बिजली तो हम इलेक्ट्रिक वो उसको भी बोलते हैं, लेकिन इधर तो हमारा ऐसे दिया ही, दिया की वो लाइट है ना वही उसको बोलते हैं। तो ऐसे करके उसके राउंड में हम फिर स्पाइक करते हैं। देखो कुछ जगह में ऐसे पूरे राउंड में स्पाइक करते हुए मैंने देखा है, नहीं तो सेमी सर्कल में ऊपर की ओर ही स्पाइक करते हैं। स्पाइक की जगह हम फांडा भी करते हैं, कोई भी फांडा कर सकता है ऐसा भी हम देखा है, लेकिन सेंटर में ऐसे टीयर ड्रॉप की तरह वो होके वो सेंटर में होल है तो इसको हम बिजली बोलते हैं। बिजली ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी में मैंने देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे नॉर्मली वो क्या है वो तो थोड़ी कन्फ्यूज्ड हूँ, लेकिन ये सब बिजली स्टिच ही है। अभी हम लाइन वाले सब स्टिच करते हैं चिकनकारी में, लाइन की तरह लाइन इफेक्ट करने वाली ऐसे स्टेम वाले जगह करना है तो जो जो स्टिचेस यूज़ करते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टिच है तेपची स्टिच है। तेपची स्टिच तो बहुत सिंपल सा एक स्टिच है, इस तेपची अकेले करके भी डिज़ाइन बनाते हैं, इसका ऊपर और नीचे सेम लगता है, हमारा रनिंग स्टिच को ही तेपची स्टिच बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है पेचनी स्टिच। पेचनी स्टिच मतलब इंटरलेस्ड रनिंग स्टिच को बोलते हैं। ऐसे पहले वो तेपची स्टिच करो, मतलब हमारा रनिंग स्टिच करो, फिर उसके अंदर से ऐसे थ्रेड को ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। ऐसे कुछ लोग तो ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर ऐसा भी करते हैं, अभी मैंने दिखा ऐसा भी करते हैं, लेकिन ऐसा मत करो, ऐसे एक ही डायरेक्शन में करो तभी वो अच्छा लगता है। अभी नेक्स्ट स्टिच है हम बाल्डा स्टिच करने जाते हैं। बाल्डा स्टिच भी उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेने वाला स्टिच है, लेकिन ये भी ऐसे थोड़ा प्रोजेक्ट करने की तरह लगने वाला स्टिच है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली वाला स्टिच भी है। ये भी ऐसे तिरछी स्टिच को बेस में ऐसे करो, फिर वो लाइन के है ना दोनों साइड पे, मुरी स्टिच की तरह नहीं बोल सकते, ऐसे साटिन स्टिच ही करते हैं, ऐसे कपड़े के नीचे से लेकर ही करना, तो ऐसे साटिन स्टिच की तरह वो लाइन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे साटिन स्टिच करके पूरा फिनिश करते हैं, इसको बाल्डा स्टिच बोलते हैं। ये भी ऐसे छोटा सा ऐसे प्रोजेक्ट करने की तरह लगता है, बहुत क्यूट लगेगा ये भी ऐसे स्टेम में करेंगे तो, लेकिन आपको पता होगा ऐसे ऐसे करेंगे तो पक्का है ना ऐसे टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लगेगा। ओके ये भी स्टिच, ये भी लाइन स्टिच फिनिश हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टिच है ब्लैंकेट स्टिच, मैंने बोला था इसको भी चिकनकारी में नाम होता है, इसको हम काज स्टिच बोलते हैं। ब्लैंकेट स्टिच या हम बटन होल स्टिच बोलते हैं ना, इसको चिकनकारी में काज स्टिच बोलते हैं। ऐसे कुछ फ्लावर्स के साइड्स को एलोंगेटेड लाइन ऐसे लाइंस को फिल करने ऐसे बॉर्डर में करने के लिए ही ये भी एक काज स्टिच भी यूज़ करते हैं, कुछ टाइम में ऐसे होल के बगल में भी काज स्टिच से फिनिश करते हैं। अभी नेक्स्ट स्टिच है जंजीरा। जंजीरा मतलब चेन होता है, चेन ऐसे तो उसके हिसाब से उसकी ऐसे इफेक्ट आने वाले स्टिच है, हमारा चेन स्टिच को ही जंजीरा स्टिच बोलते हैं।
नॉर्मली वो तो ऐसे हम आरी वर्क करते हैं ना, वो नीडल से टैम्बर करने वाले, टैम्बर क्या सब ऐसे बोलते हैं, तो उस नीडल से ही ये स्टिच तो करते हैं। छोटा सा थ्रेड से ऐसे सिक्स स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड तो इसमें यूज़ नहीं करते, थोड़ा 1-2 लेयर्स थ्रेड यूज़ करके ही नॉर्मली जंजीरा स्टिच करते हैं। बहुत पतला सा ऐसे चेन स्टिच होता है। नेक्स्ट स्टिच है बैक स्टिच, हमारा बैक स्टिच बोलते हैं ना उसको, उसको नॉर्मली हम राहत स्टिच बोलते हैं। बैक स्टिच तो हम ऐसे स्टेम के लिए भी यूज़ करते हैं, और एक कुछ टाइम में ऐसे बकिया स्टिच करते हैं तो ऐसे बेंड होता है ना बकिया स्टिच की, ऐसे कर्व्ड पोर्शन में कुछ करने के लिए, जो कुछ जगह में वो कम्प्लीट करने के लिए बकिए की जगह हम राहत स्टिच मतलब ये बैक स्टिच यूज़ करते हैं। बैक स्टिच में मतलब ये नेक्स्ट स्टिच को हम बनारसी स्टिच बोलते हैं। अभी नेक्स्ट में करने जा रही हूँ ना, तो वो है स्टेम स्टिच। नॉर्मली हम स्टेम स्टिच किसको बोलते हैं, वही है बनारसी स्टिच है। लेकिन बनारसी स्टिच एक साइड में करके राहत देके ऐसे मतलब बनारसी स्टिच नीचे कपड़े की गलत साइड में करके ऊपर ये राहत स्टिच को करते हैं। तो बकिया और उल्टी बकिया की तरह ही है, एक ही स्टिच एक दोनों मतलब अच्छे साइड में करेंगे तो एक स्टिच बोलते हैं, गलत साइड में नेक्स्ट पीछे की साइड में करेंगे तो उसको दूसरे नाम पे ऐसे बोलते हैं। तो ये चिकनकारी का नेक्स्ट स्टेम करने वाला स्टिच है। अभी बहुत ऐसे कॉस्टली वाले एक और स्टिच है, हथकड़ी जाली बहुत यूज़ करने वाला स्टिच है। बहुत मतलब कुछ हो, ये तो कर्चीफ के बीच में ऐसा भी करते हैं। इसके लिए हम नायलॉन थ्रेड यूज़ कर, नायलॉन मतलब हम पॉलिस्टर थ्रेड यूज़ करते हैं। अभी इसमें मैं 2 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड से कर रही हूँ। देखो मैंने एक नॉट लगाया है, एक्चुअली नॉट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो कपड़े से बाहर नहीं आने के लिए पहले छोटा सा नॉट लगा के फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो वो नॉट ऊपर की ओर आने के बाद वो मैं काट के निकाल रही हूँ। मतलब ऐसे एक ही जगह पे कुछ 3-4 बार करेंगे तो फिर वो नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपको कंफर्ट नहीं है तो नॉट लगा सकता है। तो हथकड़ी जाली एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक साइड का भी दोनों साइड का भी, मतलब डबल हथकड़ी जाली, सिंगल हथकड़ी जाली ऐसे बोलते हैं। देखो ऐसे एक साइड नेक्स्ट होल पे जाने के पहले एक होल की एक साइड के कपड़े में ऐसे एक छोटा सा स्टिच लगा के ही नेक्स्ट होल तक जाते हैं। अच्छे से खींच के ही ये स्टिच करना। ये तो बहुत ऐसे बॉर्डर में करते हैं, ऐसे लाइन में करते हैं, लेकिन ये करेंगे तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा सा एक फील होता है, बहुत अच्छा सा एक डिजाइन है। अच्छे से खींच के ये करो। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्टिच इधर से ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने क्लियरली बहुत सारे वीडियोस में हथकड़ी जाली दिखाया है। ये तो ऐसे बहुत ऐसे लेंथी हो जाएगा, मैं तो इसे धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। तो आपको चाहिए तो मेरा ही वीडियोस में, मेरा ही चैनल की पुराने वीडियोस ऐसे देखेंगे तो आपको ही उसका वीडियोस में अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा कैसे ये करते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश तो किया हूँ। अभी हम एक साइड पे ऐसे कर रहे हैं ना, तो वो साइड है ना थोड़ा क्यूट लगता है, मतलब थोड़ा फिनिशिंग ज़्यादा होता है, तो इतना करेंगे तो वो तो एक जाली बोलते हैं, सिंगल टाइप का बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करके इसको, देखो एक साइड है, दूसरा साइड तो थोड़ा ब्लर ऐसे होता है, तो वो भी करेक्ट करने के लिए हम ऐसे नेक्स्ट में ऐसे वापस जाने की तरह उस साइड में नीडल को ऐसे लगा के जाते हैं। देखो उस साइड में क्या है ना, वो थोड़ा छोटा सा होल दिख रहा है ना कपड़े में, वो तो ऐसे ही फेड हो जाएगा करके करके, नहीं तो वो नहीं दिखेगा ऐसे होल है ऐसा। तो ऐसे करके हम हथकड़ी जाली डबल टाइप ही फिनिश करते हैं। नॉर्मली डबल टाइप ही करना, तभी वो क्यूट लगता है। तो देखो हथकड़ी जाली भी फिनिश हो गया है।
अभी हम जाली स्टिच फिनिश करते हैं। चिकनकारी का बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टिच है जाली स्टिच, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अभी है ना ये जाली स्टिच करने का टाइम नहीं, कुछ टाइम लेने वाला स्टिच है। देखो ऐसे एक लाइन करना है, उसके सेंटर में नेक्स्ट साइड में पैरेलल ही करना है, लेकिन जो लाइन होगा उसका सेंटर में नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, वो भी सेम सेम होल में ही थ्रेड को नीडल को ऐसे ऊपर की ओर लेना है। ये भी हम वो पॉलिस्टर थ्रेड से ही करते हैं और खींच के करते हैं। हो सके तो थोड़ा थिक वाला नीडल इसमें यूज़ कर सकता है, नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी नीडल नहीं, थोड़ा से ज़्यादा थिक वाला नीडल भी यूज़ करो, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी करेंगे तो भी ये नेट वो मेश की नेट की तरह इफेक्ट आ जाते हैं, कपड़े को कोई भी खराबी नहीं होगा, लेकिन अच्छे से हमें एक नेट की इफेक्ट आ जाएगा। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा नीचे की ओर ऐसे ट्राइपॉड से थोड़ा बेंड हो गया था थोड़ा ऐसे इसलिए, लेकिन देखो ऐसे एक बार करने के बाद है ना उसका दूसरा बार भी वो होल से नेक्स्ट पैरेलल करते हैं, तब भी वो होल है ना अच्छे से दिखता है। बहुत देखो बहुत अच्छा लगता है ये वाला करने के बाद, लेकिन अब तो सब लोग ऐसे ना नेट को अप्लाई करते हैं, ऐसे काट के निकाल के उधर सर्कल से कपड़ा निकाल के फिर उसमें नॉर्मल नेट मिलता है ना उसको ऐसे अप्लाई की तरह लगाते हैं, लेकिन अच्छे से पता चल जाएगा वो तो जाली वर्क नहीं है। नॉर्मली हम ऐसे जाली वर्क करेंगे तो देखो बहुत बहुत क्यूट लगता है ये स्टिच। तो जहाँ हमने हमको करना है उसका हाफ से स्टार्ट करके एक साइड फिनिश करते हैं, फिर दूसरे साइड से फिनिश करते हैं। इसका होल्स देखो वो तो ऐसे एक ओवल शेप में होता है, इसको हम नॉर्मली सिद्धौर जाली बोलते हैं। जाली स्टिच बहुत सारे डिफरेंस में है, लेकिन अभी मुझे तो उसका कैसे करते वो तो अभी तक मुझे पता नहीं है। ये ही अभी जाली वर्क तो बहुत कम यूज़ करते हैं, उसमें ही हम सिद्धौर जाली ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसमें चटैया जाली होता है, चटैया जाली, फिर मद्रासी जाली होता है, मतलब वो हॉल है ना इसमें तो हमने बोला था ओवल शेप में होता है, कुछ में हमको स्क्वायर शेप में मिलेगा, कुछ में क्या है एक हॉल होता है एक मतलब ओपन नहीं हुआ जैसा हॉल होता है, मतलब हमने हथकड़ी जाली के साइड में एक छोटा सा हॉल जैसा दिखा था ना ऐसा, एक बड़ा सा हॉल एक छोटा सा हॉल, ऐसे ऐसे करके होता है नेक्स्ट जाली। फिर एक और जाली होता है सब होल भी होता है, लेकिन होल के ऊपर से थ्रेड भी जाएगा, तो ऐसे एक क्या है क्रॉस एक स्पाइडर वेब की तरह कुछ ऐसे डिजाइन आ जाता है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन हम तो इधर एक ही जाली दिखा रही हूँ, नॉर्मली यही यूज करते हैं। तो जाली स्टिच अभी फिनिश हो गया है, अभी हम नेक्स्ट कील कंकन, कील स्टिच भी मैंने दिखाया था, तो अभी जो भी स्टिच है थोड़ा फास्ट में ही जाने वाला है, मतलब पहले कील बनाओ, कील के ये कील कंगन स्टिच है ना, कंगन मतलब बैंगल्स होता है लेडीज की बैंगल की तरह ऐसे। मैंने कुछ ऐसे गूगल में सर्च किया तो कुछ उधर तो ऐसे पुराने ज़माने में ऐसे पत्थर पे ऐसे डिज़ाइन ऐसे क्या बोलते हैं डिज़ाइन पत्थर पे था, तो डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं लोग ऐसे, वो बना के मैंने देखा तो यही सेम चिकनकारी का स्टिचेस है, उधर से लिया हुआ स्टिचेस भी है। तो देखो वो एक लेयर में स्पाइक्स एक और कील के सेंटर में ऐसे करेंगे तो उसको हम कील कंगन बोलते हैं, और एक और बार मतलब कील के राउंड में दो बार वो स्पाइक्स करेंगे कांडा स्टिच करेंगे तो उसको बारह कंगन बोलते हैं। तो यही है कील कंगन और बारह कंगन में डिफरेंस। अभी नेक्स्ट हम पेट कंगन दिखाते हैं। पेट कंगन मैंने अभी कहीं भी मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है और मैंने कभी भी कहीं भी ये स्टिच भी किया हुआ नहीं दिखा है, तो इसलिए क्लियरली देखो जो होल से हम एक होल बना के होल स्टिच की तरह एक होल बना के उसमें से वो नीचे ऐसे लगा के वो हम कांडा स्टिच करते हैं। देखो वाई स्टिच थोड़ा लेंथ में ही करते हैं, नॉर्मली हम होल स्टिच करते हैं ना उससे भी थोड़ा डबल साइज में होता है, तो ऐसे थोड़ा नस्तिक नस्तिक भी करना
फूल से लगा के फिर वो स्पाइक्स करते हैं। इसको हम पेट कंगन बोलते हैं। कहीं भी आपने देखा नहीं होगा ऐसा भी एक कंगन। बहुत सारे अभी मैंने जाली वर्क बोला था, बहुत सारे डिफरेंस जालीस होता है, ऐसा ही है कंगन भी, बहुत सारे डिफरेंस वराइटीज में होता है। एक्चुअली मैं क्या बोलती हूँ, नॉर्मल पहले मैंने जितना वो जाली तक जितना स्टिचेस बोला है वो सब ही स्टिचेस होता है, बाकी सब है ना वो यूज़ करके बहुत सारे डिजाइंस होता है, वो डिजाइंस को उन लोगों ने कुछ नाम भी दिया है, वही है। तो इतना स्टिचेस में जाली स्टिच का भी डिफरेंट वैरायटीज है, वो तो मुझे नहीं पता है, वो भी काउंट करके कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली चिकनकारी में 36 स्टिचेस होता है, कुछ में मैंने देखा तो 42 स्टिचेस होता है, लेकिन मुझे तो इसमें तो ये सब इंक्लूड करेंगे तो उससे भी ज़्यादा होगा। देखो पेट कंगन फिनिश हो गया है, अभी नेक्स्ट और है कांच कंगन। मतलब पहले हम हूल बनाते हैं, हूल स्टिच बनाते हैं, तो ऐसे होल स्टिच जैसे मैंने पहले ही दिखाया था होल स्टिच कैसे बनाते हैं, उसके राउंड में हम फिर कांडा स्टिच बनाते हैं। मतलब कंगन है तो कांडा स्टिच होना ही चाहिए, तो होल स्टिच बना के कंगन लगाएंगे तो उसको हम काज स्टिच बोलते हैं, काज कंगन बोलते हैं। तो अभी मैंने चार टाइप का कंगन स्टिच बताया है, एक है कील कंगन, फिर 12 कंगन हो गए। कील कंगन मतलब कील के राउंड में एक और बार वो कांडा करेंगे तो वो कील कंगन हो गया, फिर एक और बार वो कांडा की लेयर करेंगे तो वो 12 कंगन हो गया, फिर ऐसे हूल की ओर ऐसे कांडास करेंगे तो वो पेट कंगन हो गया, फिर लास्ट में हम काज कंगन है। अब भी कुछ है ना वो उसका भी एप्लीकेशंस ही बोल सकते हैं। मतलब सब हम जो स्टिचेस अभी दिखाया है वो सब स्टिचेस बना यूज़ करके हम कुछ डिजाइंस बनाते, उसको मैंने जैसे कंगन की तरह बोला था उसका एक एक नाम होता है। तो सब फर्स्ट है कोरी स्टिच, मतलब कोरी माने हमारा सीशेल ऐसा होता है ना वो वाला है। पुराने ज़माने में ये तो ऐसे कॉइन की तरह यूज़ कर मणि की तरह यूज़ करते थे, तो कुछ ऐसे वर्शिप करने वाला ऐसे थोड़ा ऐसा ही एक चीज़ है, तो उसकी एक डिज़ाइन आने वाला ऐसे कोरी स्टिच करते हैं। उसके दोनों साइड में कोरी की ऐसे एक टाइम स्टाइल में वो डिज़ाइन ड्रॉ करके उसके दोनों साइड में चना पत्ती से करते हैं। कुछ लोग तो उसको और स्टिच में भी फिनिश करते हैं, फिल करते हैं, तो चना पत्ती करके फिर उसके सेंटर में ऐसा ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो हथकड़ी जाली भी करके मैंने देखा है, ये भी कोई भी कपड़े में कर सकता है, थोड़ा कॉस्टली वाला स्टिच ही है। तो बीच में ऐसे होल, ऐसे कोरी स्टिच का अंदर से ऐसे एक होल की तरह होता है ना, इसलिए अंदर की ऐसे अंदर की ओर एक जगह होता है ना वो इफेक्ट आने के लिए हम इसमें हथकड़ी स्टिच भी करते हैं, तो इसको हम कोरी स्टिच बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था सब नेचर से बनाया हुआ स्टिचेस है। अब नेक्स्ट स्टिच है एक फ्लावर वाला स्टिच है, इसको हम करण फूल बोलते हैं। करण फूल मतलब ऐसे पहले जमाने में ऐसे क्या है वो झुमका जैसा ईयर ऑर्नामेंट्स डालते थे, उसका स्टेड होता है ईयर में, वो फूल की तरह होता है, उसकी ऐसे एक इफेक्ट करने वाला चीज़ है। मतलब राउंड में पहले हम पेचनी स्टिच करके फिर जो पेचनी स्टिच से ऐसे एक लाइन हुआ ना उसमें हम फांडा स्टिच सॉरी मुरी स्टिच से फिल करते हैं। मुरी स्टिच की कर रही हूँ, देखो ऑलरेडी मैंने सब स्टिचेस दिखाया है इसलिए मैं ये सब फास्ट में ही कर रही हूँ। मुरी स्टिच ऐसे है नॉट लगा के सबको ऐसे फिल करने की तरह होता है, बहुत कॉस्टली होता है इसलिए ये ज़्यादा करते हुए मैंने नहीं देखा है। कुछ लोग तो ये मुरी की बदले वो फांडा स्टिच करके ये इसी का एक स्टाइल करते हैं। फिर एक और स्टिच है मेहार की मतलब ये करण फूल ही करके फिर उसके सर्कल में एक बॉर्डर में हम फांडा स्टिच करते हैं। फांडा स्टिच तो कोई भी फांडा स्टिच कर सकता है, नॉर्मली डार्क ही फांडा करते हैं। कुछ जगह में मैंने तो धनिया पत्ती करके भी देखा है, नॉर्मल फांडा भी करके मैंने देखा है, मतलब कच्चा फांडा भी करके करते मैंने देखा है।
फर्स्ट में करके जा रही हूँ। बहुत लेंथी हो गया, जैसे मैंने सोचा उससे भी लेंथी हो रहा है, इसलिए ऐसे अच्छे से नहीं, ऐसे ही फर्स्ट फर्स्ट में वो दिखा रही हूँ। मतलब फांडा स्टिच तो मैंने ऑलरेडी दिखाया है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। तो देखो मैं हार की और करण फूल में यही डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट है जोड़ा स्टिच। जोड़ा तो ऐसे एक लीफ की तरह होता है, एक स्टेम के दोनों साइड पे करते हैं, तो मैंने स्टेम स्टिच के लिए ऐसा ही बनारसी स्टिच कर दिया। फिर ऐसे करते हैं ना, ऐसे लीफ की तरह होता है, उसके दोनों साइड पे ऐसे बाउंड्री में हम काज स्टिच से वो लीव्स है ना वो फिल करते हैं, फिल नहीं उसका बॉर्डर ऐसे स्टिच करते हैं, इसको हम जोड़ा स्टिच बोलते हैं। ये जोड़ा मतलब दो होता है ट्विंस जैसा, तो दोनों साइड में सेम सेम ऐसे ऐसे डिजाइन लीव की तरह डिजाइन होता है। कुछ जगह में कवरी स्टिच भी दोनों साइड में ऐसे करते हैं, लेकिन नॉर्मली काज स्टिच से वो फिल करेंगे तो वो जोड़ा स्टिच होता है, तो ऐसा ही जोड़ा स्टिच होता है। तो देखो जोड़ा स्टिच फिनिश हो गया है। अभी नेक्स्ट है फूल चमेली बोलते हैं। फूल चमेली मतलब सेंटर में हम होल ऐसे होल स्टिच बनाते हैं, होल स्टिच के बदले कुछ जगह में फांडा स्टिच भी करते हुए मैंने देखा है। ये सब है ना अपने हिसाब से, कुछ ऐसे सब यूज़ करके ऐसे एक फ्लावर की डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं ना, ऐसा ही है। ऐसे कुछ डिज़ाइन को वो कुछ फ्लावर की डिज़ाइन होता है, इसलिए हमारे उस ज़माने तो मतलब चमेली फ्लावर तो यूज़ करते हैं ना, इसलिए उसके सेंटर में देखो चारों ओर हम अभी धनिया पत्ती यूज़ करते हैं, इस जगह आपको डार्की फांडा यूज़ करते हैं, नहीं तो कच्चा फांडा यूज़ करते हैं। सब स्टिचेस मैंने करके हुई है ये फूल चमेली बोल के मैंने देखा है, कोई भी ऐसे राउंड में कर सकता है। इतना एक वो लेयर में वो फांडा स्टिच करके ही हम इसको फूल चमेली बोलते हैं, लेकिन कुछ जगह में देखो ऐसे उसके राउंड में पेटल की तरह बखिया स्टिच करते हुए भी इसको फूल चमेली बोलते हैं। मतलब वो चमेली फूल की तरह होना चाहिए, इतना पेटल की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ऐसा ही कर दिया। पाँच पेटल्स हो जाएंगे तो भी फूल चमेली ही लगता है। तो देखो हमारा वीडियो अभी फिनिश हो गया है। तो इस वीडियो में मैंने टोटल देखो इधर से काउंट करेंगे तो टोटल मैंने ऐसे लिखा है 36 डिज़ाइंस मैंने स्टिचेस मैंने दिखाया है। एक्चुअली बोलेंगे तो 36 स्टिचेस में तो मैं तो नॉर्मली बोलूँगी इधर तक, मतलब 25-26 ही एक्चुअली टोटल स्टिचेस बोलते हैं उसका। फिर ये सब है उसका ऑल्टरनेट मतलब एप्लीकेशंस बोल सकते हैं ना, ऐसे कील है मतलब कील है, ये सब है वो यूज़ करके बाकी सब ऐसे बनाए हैं स्पाइक सब जोड़ के एक डिज़ाइन, उस सब डिज़ाइन को दूसरे दूसरे नाम से वो लोग बोलते हैं, तो 36 स्टिचेस हैं। अभी एक और मेथड है, एक्चुअली वो तो ऐसे मेथड बोल सकते हैं स्टिचेस, मुझे पता नहीं मेथड ही बोल सकते हैं, वो है कटाव जावा। ऐसे ये जावा में ही तारा पत्ती नीम पत्ती ऐसा है। एक्चुअली वो क्या है कि हम ऐसे पुराने ज़माने में कपड़े जॉइन करते हैं ना, तो ऐसे मशीन पुराने ऐसे लॉक करने का ऐसा कुछ मशीन्स नहीं होता था, तो ऐसे हम जॉइन करने के बाद वो कपड़ा ज़्यादा होता है ना ऐसे एक्स्ट्रा होता है, उसको कुछ डिज़ाइन में बनाते हैं। देखो ऐसे आगे की तरह वो बनाते हैं, अभी ऐसे वी शेप में करते हैं, ऐसे एप्लिक वर्क ही बोल सकते हैं हमारा ऐसे, तो ऐसे जॉइन करने में वो डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन में जॉइन करते थे, तो उस वर्क को हम कटाव बोलते हैं। कटाव मतलब आगे मेन साइड पे ऐसे ये एप्लिक वर्क होगा तो उसको कटाव बोलते हैं। तो ये कटाव भी हम ऐसे पेटल्स की तरह भी छोटे छोटे पीस काट के वो फ्लावर्स की पेटल की तरह लीव्स की तरह ऐसा भी वो यूज़ करते थे। और एक मेथड क्या है कि ये साइड है वो नीचे की ओर आ जाएगा, तो नीचे वो लोग इधर ऐसे क्या बोलते हैं नीम ऐसे फ्लावर्स की लोटस की तरह ऐसे काट के वो ऐसे करते हैं, तो शैडो की तरह ये डिज़ाइन इधर इधर नीचे आ जाएगा, तो ऐसा भी ये डिज़ाइन करता है, उसको जावा पत्ती बोलते हैं। जावा पत्ती में भी तारा पत्ती नीम पत्ती ऐसा भी कुछ होता है। तारा पत्ती मतलब ऐसे तारा एक पेंटागन शेप में काट के वो उसमें लगा के फिर ऐसे एक स्टार की तरह वो डिज़ाइन बनाते और सेंटर में एक होल बना के ऐसे होल स्टिच भी करते थे। मैंने ऐसे मेरे ही पे मैंने उसका भी वीडियोस मतलब कटआउट का भी जावा का भी ऐसे मैंने वीडियोस बनाया है
मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, देखो। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने वो मलयालम में किया था, हिंदी में नहीं था, फिर भी जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे वो करते हैं। अभी इस वीडियो तो इतना लेंथी हो गया इसलिए मैं वो डिसेंस नहीं दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लग रहा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो व्हाट्सअप भी करके मुझसे डाउट पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।